Rate of vacancy increase in IBPS AFO 2020 this year. According to my last year review, IBPS AFO Agricultural Field Officer. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं। इस साल 670 वैकेंसी टोटल आई हैं, टोटल 670 वैकेंसी। आपको मैं अभी नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, तो ये रहा IBPS AFO का नोटिफिकेशन, ये रहा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी। इसमें देखते हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी, अलाहाबाद बैंक नॉट रिपोर्टेड, NR मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया। आंध्रा बैंक जीरो, बैंक ऑफ बड़ौदा NR, बैंक ऑफ इंडिया NR, सिर्फ कैनरा बैंक में 320 वैकेंसी आई थी और कॉरपोरेशन बैंक में 100 वैकेंसी आई हैं। और इसी तरह देखते हैं तो ये है पंजाब एंड सिंध बैंक, 50 वैकेंसी थी और यूनियन बैंक में भी 200 वैकेंसी थी। तो इस तरह से कुल मिला के 670 वैकेंसी थी हमारे पास, 670 वैकेंसी। तो इसमें चार बड़ी बैंक के, एक है PNB पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक उसने भी एक भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी, नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है। और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ने भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी। ये रही आपकी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया NR दिखा रहा है। और इसमें एक बैंक और है, बैंक कौन सी है, हाँ, तो कुल मिला के तीन वैकेंसी हैं, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये तीन बड़ी बैंकें हैं जिन्होंने इस साल वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। और लास्ट ईयर का भी हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर, ये रहा लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल वन, इसमें कुल मिला के वैकेंसी आई थी 853, 853 वैकेंसी आई थी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 1220 वैकेंसी पर, फाइनल सिलेक्शन हुआ था 1220 वैकेंसी पर और टोटल वैकेंसी थी 853। तो इसमें भी बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ने 200 वैकेंसी दी थी, PNB ने 200 वैकेंसी दी थी और बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ वैकेंसी दी थी, करीब 200 करीब। तो इस प्रकार से 1220 वैकेंसी हो गई थी 853 से बढ़कर। तो इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल टोटल वैकेंसी हैं 670। जैसा कि न्यूज आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक PNB जो नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है, ये PNB जो नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है, इसमें वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि PNB ने अभी सुनने में आ रहा है 2000 क्लर्क की वैकेंसी दी है और PO में भी लगभग 1000 वैकेंसी दी है। तो PNB बड़ा बैंक है जो AFO में अच्छी वैकेंसी देता है, तो ये कम से कम 200 वैकेंसी देगा, कम से कम 200 वैकेंसी PNB देगा। और अगर बात की जाए सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक भी बड़ा बैंक है, इसकी भी कम से कम 200 वैकेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो भी 100 प्लस वैकेंसी दे सकता है। तो इस तरह से टोटल 400 से 500 वैकेंसी बढ़ सकती हैं। तो बात की जाए वैकेंसी कितनी इंक्रीज हो सकती हैं, तो टोटल वैकेंसी हैं 670। तो और 400 से 500, अगर मान लीजिए 400 वैकेंसी इंक्रीज होती हैं, तो ये कुल मिला के वैकेंसी जो हो जाएंगी 1170 वैकेंसी। तो ये आप मान सकते हैं कि करीब करीब 1100-1200 वैकेंसी पर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये संभावना जताई जा रही है, ये 1 से 2 दिन में अभी जो इंटरव्यू कॉलिंग के लिए रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। अगर इंटरव्यू कॉलिंग 3000 बच्चों को होता है तो वैकेंसी समझ लीजिए 1000 हो गई हैं, क्योंकि एक सीट पर 3 बच्चों को ही बुलाया जाता है। लास्ट ईयर करीब 4100 बच्चों को इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी और वैकेंसी बढ़कर 1220 हो गई थी। तो ये मेरा आकलन है, इस बार वैकेंसी जो इंक्रीज हो सकती है IBPS AFO में, मैंने लास्ट ईयर और 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था और 2019 में, और इस साल मैं वेट कर रहा हूँ मेंस के रिजल्ट का। तो ये मेरा अनुमान है और इस साल वैकेंसी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकती हैं। थैंक यू।